यहोशु अध्याय 22। यहोशु अध्याय 22। उस समय यहोशु ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वह सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत से आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है, और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपने निजी भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यर्दन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्ग पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशु ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनुष्य के आधे गोत्रियों को मूसा ने बासान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशु ने उनके भाइयों के बीच यर्दन की पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशु ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाए, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट जाओ और अपने अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री इस्राएल के पास से निकाल, अर्थात कनान देश के शिरोनगर से, अपनी गिलाद नाम निज भूमि में, जो मूसा ने दिलाई हुई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने की मनसा से लौट आए। और जब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई, और इसका समाचार इसराइलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में, अर्थात उसके उस पार जो इसराइलियों का है, एक वेदी बनाई है। जब इसराइलियों ने यह सुना, तब इसराइलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शिलोह में इकट्ठी हुई। तब इसराइलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रों के पास गिलाद देश में अलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इसराइल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधानों को भेजा, और वे इसराइल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्री के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इसराइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज पलवा किया है। सुनो, क्या पूर्व के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था? यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? आज तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इस्राएल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो, तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहां यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और न हमसे देखो,
जब जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इसराइल की पूरी मंडली पर न भड़का और पुरुष के अधर्म का प्राणदंड अकेले उसी को न मिला? तब रूबेनियों, गादियों और मनुष्य के आधे गोत्रियों ने इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया कि यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है और इसराइली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के व उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो तो तू आज हमको जीवित न छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे व इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि व मेल बलि चढ़ाए, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारे संतान हमारे संतान से यह न कहने लगे कि तुमको इसराइल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम, क्योंकि हे रूबेनियो, हे गादियो, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को हद ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारे संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना ले, वह होम बलि व मेल बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे, इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सन्मुख उसकी उपासना करें और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारे संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा कि जब वे लोग भविष्य में हमसे व हमारे वंश से यो कहने लगे, तब हम उनसे कहेंगे, यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होम बलि व मेल बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे, यह हमसे दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दे और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है, होम बलि और अन्न बलि व मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनाए। रूबेनियों, गादियों और मनुष्य के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर पिनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान जो इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए और अलियाजर याजक के पुत्र पिनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शेइयों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने यह जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है और तुम लोगों ने इसराइलों को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब अलियाजर याजक का पुत्र पिनहास प्रधानों समेत रूबेनियों, गादियों के पास से गिलात होते हुए कनान देश में इसराइलियों के पास लौट आया और यह वृत्तांत उनको कह सुनाया। तब इसराइली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर कि यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात का कि साक्षी ठहरे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम एद रखा गया, जिसका अर्थ ना मतलब साक्षी है।